हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दिस जीत सलाल थैंक्स फॉर माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव इन स्पोर्ट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाई पीक के बारे में और ये जो बाइसेप पीक की इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली एक तरह का सेट है जिसे हम कहते हैं जॉइंट सेट और ये मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ आजकल और बहुत ही अच्छा महसूस होता है इन टर्म्स ऑफ बाइसेप पीक के ग्रोथ में अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं तो आपको दूंगा ही साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा एक तरीके का फिटनेस एप्लीकेशन वर्कआउट एप्लीकेशन जो फिटनेस क्वेश्चन बाय फ्यूरो स्पोर्ट्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा ओके okay, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जाइंट सेट क्या होता है जाइंट सेट मतलब होता है जब आप दो से ज्यादा एक्सरसाइजेस बैक टू बैक लगाते हैं विदाउट एनी रेस्ट उसे जाइंट सेट कहा जाता है अब ये पर्टिकुलर जो सेट है आपका बाइसेप के पीक यानी कि आपके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के लिए लगाया जाता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ये आउटर बाइसेप जो होता है इनर बाइसेप इज योर शॉर्ट हेड सो लॉन्ग हेड के लिए टारगेट करने वाली ये तीनों ही एक्सरसाइजेस लगाई जाती हैं पहली एक्सरसाइज है आपकी क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स आपके पास इस तरीके के डम्बल होने चाहिए ओके okay, अब क्लोज ग्रिप करने के लिए आपको इस तरीके से डम्बल्स को चिपकाना है आपस में और ध्यान यहां पे ये दीजिए कि ग्रिपिंग आपकी क्या होनी चाहिए डम्बल में ग्रिपिंग आपकी कॉर्नर ग्रिपिंग रहेगी राइट हैंड साइड पे, ठीक है यानी कि आउटर ओके अंदर ग्रिपिंग नहीं लेनी बीच में नहीं लेनी कॉर्नर पे लेनी है अब इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में बट पहले समझिए कि एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से लगेगी आपके शोल्डर्स इनवर्ड रोटेट होंगे और आप यू बाइसेप कर्ल्स लगाएंगे अब जब आप यू बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं तो आपके आउटर हेड ऑफ बाइसेप यानी कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप में सबसे ज्यादा आपको टारगेट महसूस हो रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है समझिए जब भी आपका शोल्डर इनवर्ड रोटेट होता है अंदर की ओर रोटेट होता है तो आपके आउटर हेड में सबसे ज्यादा आती है ठीक है ठीक बाइसेप कर्ज लगाते हुए अब ये जो लॉन्ग हेड आपका जब टारगेट हो रहा है अंदर करते हुए इसमें आप एक और चीज कर रहे हैं देखिए जब मैंने आपको कहा कि डम्बल को साइड में ग्रैप करना है तो इससे बेनिफिट ये मिल रही है कि आपका डम्बल आपको इस तरफ भी पुल कर रहा है नीचे की ओर राइट यू ठीक है अब लॉन्ग हेड का, का काम क्या होता है कि आप जब कर्ज करते हैं जब आप रिस्ट को यूं ट्विस्ट करते हैं यानी कि पिंकी छोटी उंगली को जब यूं ट्विस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपके लॉन्ग हेड पे आती है अब जब आप ऐसा कर रहे हैं और डंबल आपको नीचे की ओर पुल कर रहा है तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही है ठीक है उस रेजिस्टेंस के अंगेंस्ट जब आप यूं ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपका ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा महसूस होता है और फटीग बहुत ज़्यादा आता है आपके लॉन्ग हेड में तो इसीलिए डंबल ग्रिप आप यूं लेंगे और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको पिंकी को भी ट्विस्ट करना है ताकि आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप सबसे ज्यादा टारगेट हो Five. Right? So, इस एक्सरसाइज के हमें टोटल 15 रेपिटेशन लगाने हैं लगातार उसके बाद बैक टू बैक जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है विदाउट एनी रेस्ट वो है हमारी ड्रैक कर्ल्स एंड गाइस बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एक वर्कआउट एप्लीकेशन जिसका नाम है फिटनेस क्वेश्चन बाय Furo Sport। अब इस वर्कआउट एप्लीकेशन का बेनिफिट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है कि ये सबसे पहले तो आपको चैलेंज करती है आपको फिट रहने के लिए साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू गिविंग दैम

एक्सरसाइज अब डंबल से ही लगाएंगे सिंपली क्या करना होता है ड्रैक कर्ल्स में आपको अपने शोल्डर का एक्सटेंशन करना होता है हल्का सा और एल्बोस जब आप कर्ल्स करते हो तो पीछे की ओर आते हैं यू ठीक है इस तरीके से फोर फाइव अब ड्रैक कर्ल्स जब आप लगा रहे हो तो उसमें ध्यान क्या देना है शोल्डर आपका एक्सटेंड होगा जब भी शोल्डर एक्सटेंड होता है पीछे की ओर तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब आप इंक्लाइन बेंच में यू लगाते हैं तब भी यही हो रहा है तो आप यहाँ पर ड्रैक कर्ल्स लगाते हुए भी यही करते हैं ठीक है सेम चीज़ तो बैक टू बैक आप इस एक्सरसाइज के भी ट्वेल्व रेपिटिशन लगाएंगे पहले में फिफ्टीन इसमें ट्वेल्व ड्रैक कर्ल्स का फायदा आपको इस तरीके से मिलेगा पीक कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ेगा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ड्रैग कल्स को लगाते हुए कि आप देखेंगे यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन आपका काफ़ी छोटा है लंबा रेंज ऑफ मोशन नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और दैट्स इट यहीं तक जाएगा हाथ आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तक लेके आने की ठीक है तो मेक श्योर sure कि आप पैरल पोजिशन तक लेके आएंगे और फिर नीचे जाएंगे पैरल पोजिशन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट And stretch, that's it. Okay, तो कर्ल्स के लगाने के लगाने बाद बैक बैक, आपको लगाना है है पे डंबल कर्ल्स. क्या होता है वो? एक त, एक डंबल को आप पकड़ लीजिए कोई भी 15 uh, का का या फिर 12.5 इस तरीके से सेम चीज आपको इंटरनल रोटेशन ऑफ योर शोल्डर करना है अंदर की ओर शोल्डर को टिल करना है यू और उसके बाद यहाँ से आपको यू लगाने साइड एंगल अगर आप देखें तो इस तरीके का आपको दिखेगा ओके फिफ्टीन रेपिटेशन आपको यहां पर लगाने हैं बैक टू बैक नाउ जब आप यू कर रहे हैं ऐसा तो इसमें क्या है आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप सबसे ज्यादा टारगेट होता है इंटरनल रोटेशन की वजह से दूसरी चीज का रेंज ऑफ मोशन बहुत छोटा है देखिए ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे आप यहीं तक

इस थैंक यू वेरी मच टेक केयर जीत सलाल बाय